Hello children, in this video we will get to know what is voice over internet protocol, how it works and what are the advantages and disadvantages of voice over internet protocol. Voice over internet protocol kya hai? Ye ek technology hai, theek hai? It is a technology that allows you to make voice call using broadband internet connection instead of regular phone line. तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं. जैसे हम रेगुलर फोन लाइन की हेल्प से वॉइस कॉल करते हैं, वैसे ही हम इंटरनेट की हेल्प से भी वॉइस कॉल्स कर सकते हैं. लेकिन कौन सी टाइप का इंटरनेट होना चाहिए, कैसा इंटरनेट आप यूज करोगे इसके लिए? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. ओके, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है और जिसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, बैंडविड्थ मींस अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रेवल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन. ओके, सम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेस में only allow you to call other people using the same service. Some जो कुछ होती हैं VOIP services, वो क्या करती हैं, आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को call करने के लिए allow करोगी जो same service use कर रहे होंगे, मतलब उनके पास भी VOIP service होगी तो ही आप उसको use कर सकते हो. ओके, बट अदर्स में अलाउ यू टू कॉल एनी वन हु हैज अ टेलीफोन नंबर इंक्लूडिंग लोकल लॉन्ग डिस्टेंस मोबाइल एंड इंटरनेशनल नंबर. लेकिन कुछ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस ऐसी होती हैं जो आपको किसी भी टेलीफोन नंबर पे कॉल करने के लिए अलाउ करती हैं. ठीक है, चाहे वो लोकल टेलीफोन नंबर हो, चाहे वो रिमोट टेलीफोन नंबर हो, मोबाइल हो, लैंडलाइन हो, ओके, इंटरनेशनल नंबर हो, तो हर तरीके की कॉल्स करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करती है. ओके, ऑल्सो व्हाइल सम वीओआईपी सर्विसेज ओनली वर्क ओवर योर कंप्यूटर और अ स्पेशल वीओआईपी फोन, अदर सर्विसेज अलाउ यू टू यूज अ ट्रेडिशनल फोन कनेक्टेड टू अ वीओआईपी अडेप्टर. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? VOIP सर्विसेज ओनली वर्क ओवर योर कंप्यूटर और स्पेशल. ओके, क्या कुछ जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस हैं वो सिर्फ आपको अलाउ करती है आपका कंप्यूटर पे वर्क करेंगी. ओके, या फिर स्पेशल आपको फोन दिया जाएगा, कौन सा फोन? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन, तभी ये वर्क करेगा, राइट? ओके, और कुछ VOIP सर्विसेज क्या करती है कि जो आपका ट्रेडिशनल फोन होता है, ठीक है, उस पे भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जो आपका नॉर्मली जो फोन होता है, ओके, उस पे भी आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. ओके, हियर आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ VOIP एप्स. और हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एप्स हैं, नेक्स्टिवा, एयरकॉल, जॉइपर, स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट्स, वाइबर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल वॉइस. ओके, तो यहाँ पे कुछ एप्स के नेम भी दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम वॉइस कॉल्स कर सकते हैं. फाइन, ओके, हाउ VOIP इंटरनेट वॉइस वर्क्स. तो ये आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये सर्विस कैसे काम करती है, राइट? अब हम इसको देखेंगे. VOIP सर्विसेज कन्वर्ट योर वॉइस इनटू डिजिटल सिग्नल्स दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट. तो आपकी जो वॉइस है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और वो फिर इंटरनेट पे ट्रेवल होती है. ओके, इफ यू आर कॉलिंग अ रेगुलर फोन नंबर द सिग्नल इज कन्वर्टेड टू अ रेगुलर टेलीफोन सिग्नल बिफोर इट रीचेस द डेस्टिनेशन. अगर आप किसी नॉर्मल रेगुलर फोन नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो जो सिग्नल है उनको रेगुलर टेलीफोन सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है, राइट? VOIP कैन अलाउ यू टू मेक अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर. ओके, अब VOIP सर्विस क्या करती है, आप अपने जो आपका कंप्यूटर है उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और स्पेशल VOIP फोन, ओके, और अ ट्रेडिशनल फोन कनेक्टेड टू अ स्पेशल अडेप्टर, या फिर आप ट्रेडिशनल फोन का भी यूज कर सकते हो जो कि एक क्या है, VOIP अडेप्टर से कनेक्ट है. फाइन, ओके, इन एडिशन वायरलेस हॉटस्पॉट्स इन लोकेशंस सच एज एयरपोर्ट्स, पार्क्स एंड कैफेज अलाउज यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड मे इनेबल
टू यूज वीओआईपी सर्विस वायरलेसली। इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि आप जो वीओआईपी सर्विस है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो वायरलेसली भी यूज कर सकते हो। आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो किसी भी लोकेशन के, एयरपोर्ट के, पार्क के, कैफे के, और इस सर्विस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, ओके, वो केबल मॉडेम से कनेक्ट है, राइट, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट लाइक दिस। तो अगर आप कंप्यूटर से सिग्नल सेंड कर रहे हो, तो वो आपकी वॉइस, सॉरी, कंप्यूटर से आप वॉइस कॉल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी वॉइस कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल सिग्नल में, और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। और अगर आप नॉर्मल फोन से कॉल कर रहे हो, तो क्या होता है, जो आपका फोन अडेप्टर है, राइट, इट विल हेल्प इन ट्रांसफरिंग द कॉल, ओके, रेगुलर, राइट। नाउ वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस सर्विस के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, वी हैव द कॉस्ट सेविंग। विद वीओआईपी यू पे ओनली फॉर योर इंटरनेट कनेक्शन, कॉल्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद वीओआईपी इक्विपमेंट, इवन इंटरनेशनल कॉल्स आर फ्री। तो यहाँ पे जब आप वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का के पैसे देने हैं, ओके। आप चाहे कितनी भी कॉल्स करो इंटरनेट के थ्रू, वो कॉल्स क्या है, फ्री है। कितनी भी इंटरनेशनल कॉल्स करो, वो कॉल्स क्या है, फ्री है, राइट। और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, जो आप इसकी वीओआईपी सर्विस एप्स यूज करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो बहुत सारे आपको फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक वीओआईपी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स फ्रॉम कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, आप क्या कह सकते हो, किसी दूसरे नंबर पे अपनी कॉल को फॉरवर्ड करा सकते हो, आप जिस भी चाहे कॉल को ब्लॉक कर सकते हो। कॉलर आईडी क्या सर्विस होती है, व्हेन यू मेक और गेट अ कॉल विद कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन ऑन, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलर्स और बिजनेस आउटसाइड योर कॉन्टेक्ट्स। मतलब कॉलर आईडी आप यूज करें, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से कॉल आ रही है, ओके, कहीं ये स्पैम कॉल तो नहीं है, या कोई डेंजरस कॉल तो नहीं है, जो आपको वायरस, आप इसको पिक करो तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। वॉइस मेल भी प्रोवाइड करता है कि आप अपना मैसेज क्या कर सकते हो, इसके अंदर लेफ्ट कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट, ओके। टू रिमोट मैनेजमेंट, आप क्या कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क को, अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइस को किसी दूर की लोकेशन से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग कॉल्स टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और एजेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने आप कॉल को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, जहां पे कॉल जानी है वो अपने आप वहां पे डाइवर्ट हो सकती है। इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉग्निशन, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉग्निशन क्या होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करते हो, तो जैसे या फिर आप किसी कॉल सेंटर पे भी कॉल करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको वॉइस आती है, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। तो ये फीचर भी वीओआईपी प्रोवाइड करता है, राइट। कोलैबोरेशन, वीओआईपी इंटीग्रेट्स इजीली विद अदर सिस्टम्स एंड हेल्प स्टाफ कोलैबोरेट थ्रू वॉइस, वीडियो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, यूजली फ्रॉम अ सिंगल यूजर इंटरफेस। तो क्या कर रखा है, वीओआईपी सर्विस होती है, वो अदर सर्विसेज के साथ बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो जाती है, मिल जाती है, कोलैबोरेट कर लेती है। आप क्या कर सकते हो, वीडियोस भी सेंड क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हो, जब आप वीओआईपी सर्विस को यूज कर रहे हो। राउटिंग फोन कॉल्स ओवर एग्जिस्टिंग डेटा नेटवर्क्स इलिमिनेट द नीड फॉर सेपरेट वॉइस एंड डेटा नेटवर्क्स, राइट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फोन कॉल, जब आप डेटा नेटवर्क पर क्या कर रहे हो, फोन कॉल्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो सेपरेट नेटवर्क्स नहीं चाहिए, आप सेम नेटवर्क पर ही क्या यूज कर रहे हो, डेटा, नेटवर्क का डेटा भी यूज कर रहे हो, और एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द कॉल्स, फाइन। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वीओआईपी। वीओआईपी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ऑडियो क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रॉडबैंड हार्डवेयर एंड सर्विसेज, द क्वालिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ वीओआईपी कनेक्शंस मे नॉट बी एज गुड एज द स्टैंडर्ड फोन कनेक्शंस। कॉमन इश्यू दैट कैन हैपन ड्यूरिंग कॉल्स आर डिलेज, नॉइस एंड इको। तो यहाँ पे क्या कह इसका क्या डिसएडवांटेज है कि कई बार जब आप इंटरनेट कॉल करते हो, तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, वॉइस क्वालिटी सही नहीं होती, ओके। तो ये आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है, आपके हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप का आपने नेटवर्क लिया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है।
ठीक है। लेकिन जो आप नॉर्मली फोन के थ्रू जो कॉल्स करते हैं वो ज्यादा क्या होती है, बेटर होती है। ओके, इंटरनेट कॉल में क्या हो सकता है, आपका जो डेटा है वो थोड़ा लेट डिलीवर हो, आपकी वॉइस थोड़ी लेट डिलीवर हो, नॉइस क्रिएट हो, इको क्रिएट हो, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है इंटरनेट कॉल्स में। ठीक है। बैंडविड्थ डिपेंडेंसी, VoIP depends on your internet connection. If your connection goes down, so does your phone line. Similarly, insufficient bandwidth will likely cause quality issue with the service. तो ये क्या कह रहा है कि जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ क्या होती है, द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। तो जितना ज्यादा डेटा, अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंड करोगे, और अगर कम है तो आप कम डेटा आपका सेंड होगा। ठीक है। तो यह क्या कह रहा है कि जो VoIP सर्विस है वो टोटली इंटरनेट पे डिपेंड करती है। फाइन, ओके। इफ योर कनेक्शन गोज डाउन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नीचे जा रहा है तो ठीक है, तो ऐसा तो आपकी क्या होता है, जो आपकी कॉल्स होती है वॉइस कॉल्स, वो भी क्या होती है नीचे जाती है। ठीक है। ओके। सिमिलरली इनसफिशियंट बैंडविड्थ विल लाइकली कॉज क्वालिटी इश्यूज विद द सर्विस। और अगर बैंडविड्थ कम है तो कम डेटा, थोड़ा थोड़ा डेटा ट्रांसफर करेगा तो क्वालिटी आएगी, उसमें क्वालिटी में क्या आएगा, कमी आएगी। राइट। देन वी हैव द सिक्योरिटी। एज विद अदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इज द मेजर कंसिडरेशन विद द VoIP। पॉसिबल थ्रेट्स इंक्लूड आइडेंटिटी एंड सर्विस थेफ्ट, फिशिंग, वायरसेस एंड मालवेयर, स्पैमिंग ओवर द इंटरनेट, टेलीफोनी कॉल टेम्परिंग एंड डिनियल ऑफ द सर्विसेज अटैक। तो जो हमें प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे फेस होती है सिक्योरिटी की, वो हमें VoIP को यूज करते टाइम भी हो सकती है। ठीक है। कॉल्स को ट्रैप किया जा सकता है। इसमें भी फिशिंग हो सकती है। तो यार, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। ओके। एक्स्ट्रा कॉस्ट, इफ यू यूज VoIP टू फोन समवन विदाउट VoIP कैपेबिलिटीज, यू कैन इनकर एडिशनल कॉस्ट। समटाइम क्या होता है, अगर आप इसको यूज कर रहे हो, VoIP सर्विस को यूज कर रहे हो ऐसे पर्सन के फोन पर जो ये जिसके पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, समटाइम्स आपको क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज।